हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? क्या आज के इस प्रोग्राम के लिए आप सब तैयार हो? मैं भी तैयार हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत इसी बात से करते हैं। सबसे जरूरी क्या होता है आप बता पाएंगे? नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे जरूरत होता है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच क्या होती है? सकारात्मक सोच का मतलब होता है पॉजिटिव थॉट। आपको अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में रखना चाहिए, कभी भी नेगेटिव ना सोचे। हमेशा ये सोचिए कि आप इस चीज को जरूर से जरूर कर पाएंगे, तो आप देखना, आप जरूर सफल होंगे। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे कि नहीं, अरे यार ये तो मुझसे नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो चीज आपसे कभी नहीं होगी। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, हमेशा इसी नोट के साथ आगे बढ़िए कि मैं जरूर कर सकता हूँ, मैं जरूर कर सकती हूँ, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, आई विल डेफिनेटली डू इट। तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपने अपने आप को या आपने अंग्रेजी को हमेशा 100% दिया है? अगर आपने दिया है तो अंग्रेजी भी आपको जरूर से जरूर 100% वापस देगी। आप जरूर अंग्रेजी बड़ी आसानी से सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा विषय है शॉपिंग। शॉपिंग महिलाओं का सबसे प्रिय विषय है। कभी भी कहीं भी आप बताएं कि आप उन्हें लेके जा रहे हैं, वे कभी भी मना नहीं बोलेगी। आधी रात को भी बोलेंगे तो वो उठ खड़ी होगी कि हाँ मुझे कल जाना है शॉपिंग के लिए, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। तो लेडीज लोगों को शॉपिंग करके बहुत मजा आता है। पर दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत एक जगह होती है कि जब आप शॉपिंग करने के लिए किसी मॉल में जाते हैं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, कौन से काउंटर पे जाऊं, इसका क्या प्राइस है, यानी कि क्या मोल है, किसे पूछूं। ये सारी चीजें आपको परेशान कर देती है और आप थोड़ा सा हिचकिचाते हैं अकेले शॉपिंग करने जाने पर। इसीलिए आप अपने साथ किसी सहेली या अपने हस्बैंड या अपने बच्चों को लेके जाना पसंद करते हो। पर अगर आपके साथ ये सेम प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो आज का ये प्रोग्राम है वो आपको डेफिनेटली इंडिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर कर देगा। आप अकेले इस प्रोग्राम को देखने के बाद कहीं पे भी शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, ये मेरा आपसे दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम की, जिसका विषय है शॉपिंग। तो चलिए आज हम सोचते हैं कि हमें शॉपिंग पे जाना है, तो सबसे पहले हम अकेले कैसे जाएं, हम किसको साथ में लेके जाएं। अरे यार अगर मैं चली भी गई और मैंने कोई चीज पसंद भी कर ली तो मैं कैसे उसको खरीदूंगी, कौन मुझे बताएगा कि आगे आगे मुझे क्या करना है। ये सारी चीजों को पीछे छोड़ दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि कोई सीता है, एक उदाहरण में ही ले लेते हैं सीता नाम की लड़की को। आज सीता को शॉपिंग जाना है, पर सीता का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सीता को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। आती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आती, पर उसे बोलने में हिचकिचाहट होती है। हमने देखा है कई बार कि लोगों को अक्सर समझना तो आ जाता है, पर जब बोलने की बारी आती है तो उन्हें थोड़ा डर लगता है, थोड़ी हिचकिचाहट होती है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे इजिली टैकल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण हम लेते हैं कि सीता आज शॉपिंग के लिए जाने वाली है। सीता अपने आप से ही एक ऑटो पकड़ती है, उसमें बैठती है और शहर के बेहतरीन मॉल में जाती है। मॉल में जाते ही वो ऑटो से नीचे उतरती है, यहीं से सीता की परीक्षा शुरू होती है। वो कैसे अपनी परीक्षा को पार करेगी हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी सीता जाती है मॉल के अंदर। मॉल के अंदर जाते ही वो एक बड़े से स्टोर में जाती है, बहुत बड़ा ब्रांडेड स्टोर है। वहां पे सब चीजें मिलती है, जैसे कि ग्रोसरी है, कपड़े, जूते, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, अन्य कई वस्तुओं का भंडार है वो जगह। तो सीता वहां पे जाती है, सबसे पहले वो जाती है ग्रोसरी, क्योंकि हम लेडीजों की अक्सर आदत होती है कि भाई पहले घर की चीजें खरीद ले फिर खुद के लिए कुछ खरीदेंगे। तो सबसे पहले वो ग्रोसरी के काउंटर, काउंटर मतलब वो जगह जहां पे ग्रोसरी का सामान रखा हुआ होता है, सारे ग्रोसरी के सामान रखे हुए रहते हैं। तो सीता वहां पे जाती है और देखते हैं आगे क्या होता है। तो सीता पहुंचती है ग्रोसरी के डिपार्टमेंट में कि जहां पे सारी ग्रोसरी रखी होती है। वो यहां वहां ढूंढती है,
पर उसे चाहिए होता है टूथपेस्ट और उसे टूथपेस्ट कहीं दिखाई नहीं देता। तभी अचानक ही वहां पे एक लेडी स्टाफ होती है, वो उसे बुला के पूछती है कि उसे टूथपेस्ट चाहिए। वो उसे पूछना चाहती है तो वो कैसे पूछेगी, देखते हैं। मैम कैन यू टेल मी वेयर कैन आई गेट टूथपेस्ट। तो लेडी स्टाफ उसे बताती है कि टूथपेस्ट यहीं पे रखा हुआ है। उसके बाद वो फिर से उसे पूछती है, क्या आप मुझे बताएंगे कि साबुन कहाँ है। तो वो कैसे पूछेगी, मैम कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज सोप। वो लेडी स्टाफ हंस के बोलती है कि मैम यहीं पे रखा हुआ है। लाफ एंड शी विल टेल मैम इट इज केप्ट हियर ओनली। तो वो हंस के बोलती है, ओ मैंने देखा नहीं। इसको वो कैसे बोलेगी, ओ आई डिडंट नोटिस। लेडी स्टाफ बोलती है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। फिर वो आगे जाती है। आगे जाते ही उसे अपने घर के लिए चीनी खरीदनी होती है। बहुत ढूंढने पर भी उसे चीनी नहीं मिलती, तो वो वापस से उस लेडी स्टाफ को बुलाती है और बुला के पूछती है, मुझे तो चीनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो वो कैसे पूछेगी, मैम डिस्पाइट सर्चिंग आई एम नॉट एबल टू फाइंड शुगर। तो वो लेडी स्टाफ बोलती है, मैम नीचे वाले कैबिन में है। कैसे बोलेगी वो, मैम शुगर इज देयर इन द लोअर कैबिन। बस इतनी सी बात थी, वो हंस देती है और आगे बढ़ने लगती है। एक कंधे पे अपना पर्स टांगे, दोनों हाथों से ट्रॉली पकड़े, अब वो आगे बढ़ती है। धीरे धीरे सीता आगे जाती है। घर से निकलने समय सभी लोगों ने अपनी अपनी एक 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 फरमाइशें उससे बोली थी। धीरे धीरे उन सारी चीजों को याद करते हुए उसे याद आता है, अरे बच्चों ने कहा था मम्मा भूलना नहीं, जरूर से बिस्किट लेके आना। वो वापस काउंटर पे जाती है, वापस सोचती है कि मैं कैसे पूछूं लेडी स्टाफ से। धीरे से उसे बुला के पूछती है कि मुझे तो बिस्किट चाहिए, मुझे बताएं कहाँ पे मिलेगा। तो कैसे बोलेगी वो, एक्सक्यूज मी मैम कैन यू प्लीज टेल मी वेयर आर दी पार्ले जी बिस्किट्स केप्ट। तो वो लेडी स्टाफ बोलती है, मैम इट इज ऑन दी अदर काउंटर। तो इसका मतलब क्या है, वो उसे ऐसे बोलती है कि मैम वो दूसरे काउंटर पे रखा है। तो फिर वो आगे जाती है, वहां से सब उठा के अपने जो भी बिस्किट वगैरह है अपनी ट्रॉली में रखती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तब अगेन याद आता है कि अरे पति देव ने तो कहा था शैम्पू भूले बिना लेके आना। तो वापस वो सारे उस काउंटर पे जाती है जहाँ पे साबुन वगैरह रखा होता है। वहां पे जाके ढूंढती है अपने पति का फेवरेट सनसिल्क शैम्पू, मिलता नहीं है। वहां की स्टाफ को बुलाती है और पूछती है कि भाई शैम्पू कहाँ है। वो कैसे पूछेगी, मैम कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज सनसिल्क शैम्पू केप्ट। आई एम सर्चिंग बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड, कैन यू प्लीज हेल्प मी। बस अब क्या था, बहुत सारी चीजें उसने अपनी ट्रॉली में डाली थी, जैसे साबुन चीनी शैम्पू वगैरह वगैरह। अब उसे थोड़ा आगे जाना था, आगे फुटबॉल और बहुत सारे खिलौने थे। उसे अपनी छोटी वाली बेटी के लिए खिलौने खरीदने थे। वो जाके वहाँ के स्टाफ को पूछती है कि मुझे तो एक छोटा सा टेडी बेयर चाहिए। तो वो कैसे पूछेगी, मैम आई नीड अ स्मॉल टेडी बेयर, कैन यू टेल मी वेयर विल आई गेट। आई नीड अ पर्टिक्युलर पिंक कलर एंड ऑल्सो एट एन वेरी अफोर्डेबल रेंज। स्टाफ बदले में जवाब देती है कि हाँ मैम क्यों नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे टेडी बेयर्स और कई सारे रंग है, और वो भी कम से कम मध्यम व ज्यादा कॉस्ट वाले। आपकी जो भी पसंद होगी आप डेफिनेटली चूज कर सकते हो। तो वो कैसे बोलेगी, यस मैम वी हैव huge variety of collections when it comes to teddy bears at a very affordable and also an expensive range. You can definitely choose one with the utmost beautiful color at a very reasonable price too. We are so glad that you are shopping with us. Bas, aur kya tha? Wo to bahut khush ho gayi. Usne apna pasandida teddy bear wahan se uthaya aur apni trolley mein dala. To isse kaise bolenge? Oh my! She was so happy. She took the teddy bear and she kept it in her trolley with a huge smile. And she moves further. अंग्रेजी में छोटे छोटे शब्द होते हैं
जिनको हमें जहन में रखना चाहिए, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि अंग्रेजी बोलने के दौरान इन अन्य शब्दों को जोड़ के हम सही अंग्रेजी बोलें। तो आज मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ कि छोटी छोटी बातों का ध्यान कैसे रखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, अगर आपके पास पड़ी हुई किसी चीज की कीमत आपको जाननी है तो आप उसे कैसे बोलेंगे? हाउ मच इज दिस? अगर वो चीज आपसे थोड़ी दूरी पर है तो आप कैसे पूछेंगे? हाउ मच इज दैट? अगर वही चीज आप चीज में नहीं देख रहे पर चीजों में देख रहे हो तो आप कैसे पूछोगे? हाउ मच आर दीज या हाउ मच आर दोस? तो देखा आपने, बस दिस दैट दोस इन छोटे छोटे शब्दों के प्रयोगों का कैसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। हमेशा याद रखिए इन छोटे छोटे शब्दों का, ताकि आप बेहतरीन अंग्रेजी पढ़ें और बेहतरीन अंग्रेजी बोले। फिर से कुछ अच्छे छोटे वाक्य सीखते हैं। तो चलिए, ये टीवी कितने का है? हाउ मच इज दिस टीवी? ये सेब कितने के हैं? हाउ मच आर दीज एप्पल? ये तरबूज कितने का है? हाउ मच इज दैट वाटरमेलन? तो देखा आपने, आगे बढ़ते हैं। ये तो सही है, दिस इज चीप। ये कीमत सही है, दिस इज अ गुड प्राइस। ये तो बहुत महंगा है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। तो देखा आपने, छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा हम कितनी आसानी से अपने मनोभाव व्यक्त कर सकते हैं। देखिए और आगे, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये महंगा है, दिस इज एक्सपेंसिव। इससे सस्ता कुछ मिलेगा क्या? इज देयर एनीथिंग चीपर देन दिस? इसमें कोई ऑफर है? इज देयर एनी ऑफर ऑन दिस? इस पर कोई डिस्काउंट है क्या? इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस? क्या ये सामान आप घर पहुंचा देंगे? विल यू डिलीवर दिस प्रोडक्ट टू माय हाउस? अगर आप ये सारी चीजें सीख जाते हो तो आप आसानी से बातचीत अंग्रेजी में जरूर कर पाओगे। सबसे महत्वपूर्ण जो महिलाएं सोचती है वो होता है डिस्काउंट। हम कैसे पूछेंगे डिस्काउंट के बारे में? इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट? तो देखा कितना आसान था अंग्रेजी में बात करना। बहुत ही आसान है ना? आई एम श्योर आपको भी आसान लग रहा है। अब सीता ने पूरे मॉल की सैर कर ली। अब उसने अलग अलग काउंटर्स से, अलग अलग एरिया से जो भी उसके जरूरत की चीजें थी सारी पूछ के खरीद ली, अपना पूरा ट्रॉली फुल कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। वो जाती है अभी काउंटर की तरफ। कौन से काउंटर पर? जहां पर क्यू होता है लाइन में खड़े रहने का, ताकि आपने जो भी सामान खरीदा है उसकी आप भुगतान करें, उसकी आप पेमेंट करें और वो सामान घर लेके जा सके। तो इस प्रोसेस यानी कि इस क्रिया को अंग्रेजी में वो कैसे वार्तालाप करेगी हम देखते हैं। आपको बिलिंग कराने के लिए एक नियुक्त लाइन यानी कि क्यू में खड़ा रहना पड़ता है। तो उसे पता नहीं होता कि जहां पे बिलिंग कराना होता है वो क्यू कहां पे होता है। तो उसने वहीं किसी से पूछ लिया कि भाई जहां पे बिलिंग कराना होता है वो क्यू कहां है। तो वो कैसे पूछेगी? कैन यू प्लीज टेल मी वेयर एम आई सपोज टू स्टैंड इन क्यू फॉर बिलिंग? तो किसी ने जवाब दे दिया कि मैम आप वो बाजू वाले साइड पे चले जाइए, वहां पे काउंटर है, आप वहीं पे खड़े हो सकते हो। तो वो कैसे बोलेंगे? मैम प्लीज गो ऑन द अदर साइड, देयर इज अ बिलिंग काउंटर एंड यू कैन स्टैंड इन क्यू फॉर योर बिल अमाउंट टू बी पेड। अब सीता अपने सामान के साथ क्यू पे खड़ी है। जैसे ही उसका चांस यानी कि उसका टर्न आता है वो पूछती है वहां के स्टाफ को कि क्या वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकती है। कैसे पूछेगी वो? कैन यू टेक द पेमेंट थ्रू माय क्रेडिट कार्ड? तब बदले में जवाब मिलता है यस मैम डेफिनेटली। हाँ हाँ क्यों नहीं? फिर वो सोचती है नहीं नहीं मैं नकद यानी कि कैश ही दे देती हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं मैम आप तो कैश ही ले लो। नो मैम यू प्लीज टेक कैश, आई विल डू द पेमेंट थ्रू द कैश ओनली। तब वो वापस जवाब देती है कि नो प्रॉब्लम मैम आपकी मर्जी, चॉइस इज योर्स मैम। कैश देने के समय सीता पूछती है
कि क्या इन सारे प्रोडक्ट्स पे जो खरीदे हुए हैं कोई डिस्काउंट है, तो इसे वो कैसे बोलेगी, इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन द परचेस्ड प्रोडक्ट्स? तो जवाब देती है कि नहीं मैम, कोई भी डिस्काउंट नहीं है। नो मैम, देयर इज नो डिस्काउंट ऑन एनी प्रोडक्ट्स। फिर वो आगे जाके पूछती है कि क्या मुझे कैरी बैग मिलेगा? कैरी बैग क्या होता है? वो प्लास्टिक की थैली जिसमें सारा सामान जो हम खरीदते हैं वो डाल के घर लेके जा सकते हैं। तो वो पूछती है कि क्या उसे कैरी बैग मिलेगा? विल आई गेट अ कैरी बैग अलोंग? तब वो वापस जवाब देती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर कैरी बैग के 5 रुपए लगेंगे। यस मैम वाई नॉट, बट द कैरी बैग विल कॉस्ट यू 5 रुपीज। तब वो बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं, ले लो, इतना सारा सामान हाथ में तो लेके ना जा पाऊंगी। तो वो कैसे बोलेगी, यस नॉट एन इश्यू, आई कैन नॉट कैरी द एंटायर स्टफ इन माई हैंड्स। तब वो कैरी बैग के 5 रुपए लगा के बिल दे देती है और सीता बदले में पूरा कैश पे कर देती है। सारा कैश देते रिसिप्ट लेके सीता अपना सारा सामान लेके उस शॉपिंग मॉल से खुशी खुशी बाहर निकलती है और अपने आप को शाबाशी देते हुए बोलती है कि चलो आज तो मैंने कर लिया, ये मेरे जीवन का पहला पड़ाव था, इसके आगे भी धीरे धीरे अंग्रेजी सीखते हुए हर एक कठिनाइयों का सामना करते हुए मैं अपने आप को जरूर बेस्ट यानी कि सबसे बेहतरीन बना दूंगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, आप सीता हो? मैं भी थी एक जमाने में सीता, मैंने भी धीरे धीरे पढ़ाई की, धीरे धीरे अभ्यास किया और धीरे धीरे सीखा। आप सीता बनो, अगर नहीं आता है तो सीखो, सीखने की कोई उम्र या सीमा नहीं होती, कोई भी समय कभी भी हम कुछ भी अच्छा जरूर सीख सकते हैं। आई एम श्योर मेरे इस प्रोग्राम से आपको थोड़ा प्रोत्साहन मिला होगा, जरूर से इस प्रोग्राम को बार बार देखिए और इनमें इस्तेमाल किए गए अंग्रेजी शब्दों का बार बार अभ्यास कीजिए, अभ्यास करने से आप अच्छे से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो इस नोट के साथ अलविदा, फिर मिलेंगे, बाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, मैं आपकी अंग्रेजी लर्निंग कोच हर्षिता तुरखिया। आशा करती हूँ कि हमारे इस छोटे से प्रोग्राम के द्वारा आपके लिए अंग्रेजी सीखना बेहद सरल और आसान हो जाएगा। अन्य चीजें जैसे कि एग्जाम्पल्स, उदाहरण, कहानियाँ, एक्सरसाइज, स्किल्स और फन यानी कि मज़ा, इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम बनाया गया है जिससे आपको सीखने में आसानी होगी। तो देर किस बात की, अगर आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़रूर से लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।